हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 58 एक्सरसाइज 3E से, क्लास 10 आर एस अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारी इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी जिसमें टू वेरिएबल्स रहेंगे। यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एंगल ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से गिवन है। 2x प्लस 4 डिग्री एंगल ए है, एंगल बी है y प्लस 3 डिग्री, एंगल सी है 2y प्लस 10 और एंगल डी है 4x माइनस 5। यहाँ पे हमें चारों एंगल्स को फाइंड करना है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, एज वी नो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ए प्लस सी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से फ्रेंड्स इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने ले लिया है। ठीक है, इस प्रकार से अब आते हैं b प्लस डी इज इक्वल टू 180 पर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, b y प्लस 3 प्लस डी क्या है 4x माइनस 5, एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस प्लस 2 182 हो गया। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दो इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दो इक्वेशंस हो गई। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो दोनों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इक्वेशन 1 को, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 83 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, 4x माइनस x आ गया 3x, y माइनस y कैंसिल हो गया, 182 माइनस 83 करेंगे आ जाएगा 99। इस प्रकार से x हमें क्या मिल जाएगा, 33। बहुत सिंपल है, x की इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, क्या मिलेगा हमें, 33 प्लस y इज इक्वल टू 83। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 83 माइनस 33 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हमें x और y की दो वैल्यू मिल गई हैं, 33 और 50। अब इस x और y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे चारों ही एंगल्स में और इजीली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एंगल a क्या है, 2x प्लस 4। ओके, यहाँ पे हमने पुट किया 2 इंटू 33 प्लस 4, 66 प्लस 4 इज इक्वल टू 70, ये हो गया एंगल a। ठीक है, इसके बाद से एंगल b क्या है, y प्लस 3, 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53। इसके बाद से एंगल c ये क्या है, 2y प्लस 10, 2 इंटू 50 प्लस 10 मीन्स 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110, ये हो गया एंगल c। और इसी प्रकार से एंगल d क्या हो जाएगा, एंगल d क्या है, सॉरी एंगल d 4 इंटू x माइनस 5, 4 इंटू 33 132 आ गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एंगल d। इस प्रकार से यहाँ पे हमने चारों एंगल्स को इजीली फाइंड कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चन को ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस किया क्वेश्चन को। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जिनको भी ज़रूरत है। एंड फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज से और अदर एक्सरसाइज से जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे एंड इनका वीडियो आप शेयर करेंगे चैनल पर। तो अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।